गाड़ी तो है गाड़ी इसी में गाड़ी मेंशन नहीं नहीं अलग गाड़ी जब भी है वो इसी वाली जैसे उन लोग बनाते रहो सर 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 बना दिए बैठा दिया गया बना 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 फटाक से बना बना वाली गाड़ी गाड़ी कौन जा रहा है इसमें बैठ जा से हाँ हाँ राकेश जी सो जो जो एक आदमी और बैठ लो कोई इसमें अरे अरे कोई बात बढ़ाना बढ़ जा कौन है गाड़ी कहाँ है गाड़ी अरे मरवाड़ी गाड़ी कहाँ है गाड़ी लिया अरे कहाँ गाड़ी अरे वही गाड़ी ले आओ वही माता वाली गाड़ी बनाई है ना क्या जल्दी वाली गाड़ी अरे कोई गाड़ी ला नोट का खड़ी है मरवाड़ी अरे बाबा रिकॉर्डिंग कर ले चलो वहीं ले चलो वहीं लो कहां आगे 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 बढ़ा आगे आगे हटो 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 जल्दी हटो मैं करूं मैं गाड़ी मोड़ जल्दी बहुत बजा बना यार लाइट दो तू लाइट हमको दो ना तुम हाय लगी हुई है लो चले चले आ गया सर क्या हुआ है पूरी घटना और किस तरीके से कौन बदमाश है ये आज एक क्राइम ब्रांच को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी एक क्रिमिनल के बारे में उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे यहाँ पे मड़ुआडी थाने में DLW के पास जो है पुलिस के द्वारा घेराबंदी की तो इसमें क्राइम ब्रांच की टीम और लोहता पुलिस और मड़ुआडी की ज्वाइंट टीम के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई जिसमें दो बदमाश जो है मौके से भाग गए एक को क्रॉस फायरिंग में पुलिस के द्वारा जो अपने बचावात्मक फायरिंग की थी उसमें एक पैर में गोली लगी है और क्राइम ब्रांच के भी एक सब इंस्पेक्टर को जो है इसमें घायल होने की सूचना है जो आउट ऑफ डेंजर है जो बदमाश है उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है उसका ट्रीटमेंट जो है चल रहा है इसमें जानकारी ये भी हुई जाँच के उपरांत कि ये जो बदमाश है ये प्रमोद कुमार गौड़ के रूप में इसकी पहचान हुई है और इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम जो है IG रेंज वाराणसी के द्वारा घोषित किया जा चुका था और पुलिस को एक अच्छी कामयाबी आज मिली है मुठभेड़ में जो है एक बदमाश घायल हुआ किस तरह के क्राइम करता था सर इसका क्राइम नेचर क्या मुख्य रूप से इसके लूट के क्राइम थे अभी तक इसके 4 से 5 मुकदमे चिन्हित हुए हैं और भी इसका आपराधिक इतिहास है और ये 2016 से फरार चल रहा है भागा हुआ बदमाश कौन था सर अभी ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ है और इंट्रोगेशन और पूछताछ हम लोग कर रहे हैं कॉम्बिंग भी चल रही है ठीक उत्तर प्रदेश में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का सिलसिला लगातार जारी है वाराणसी में भी बीते दिनों जहां लोहता इलाके में एक मुठभेड़ में जो GHV मॉल में हत्याकांड हुआ था दो लोगों का उसमें एक आरोपी मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया घायल हुआ और आज भी मड़ुआडी लोहता और क्राइम ब्रांच पुलिस के संयुक्त अभियान के तहत मड़ुआडी क्षेत्र में DLW ग्राउंड के पीछे मुठभेड़ हुई है जिसमें 50,000 का इनामी बदमाश प्रमोद गौड़ पकड़ा गया है फिलहाल आप देख सकते हैं ये स्पॉट है स्पॉट में ये अभी जो चीज़ें हैं वो पड़ी हुई हैं बंदूक पड़ी हुई हैं ये बाइक है जो जिससे बदमाश भाग रहा था और उस बाइक को भी यहाँ पर पुलिस ने बरामद किया सबसे बड़ी बात यह है कि बाइक पर पीछे नंबर प्लेट पर मट्टी लगा दी गई थी ताकि ये नंबर ना ट्रेस हो सके कि ये गाड़ी है किसकी फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में जो प्रमोद गौड़ पकड़ा गया वो फूलपुर का इनामी बदमाश बताया जा रहा है फूलपुर थाने का और 2016 से फरार चल रहा था इस पूरी मुठभेड़ में प्रदीप यादव नाम का एक सब इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच का वो भी घायल है फिलहाल दोनों को अस्पताल भेजा गया है और जो दो अन्य बदमाश फरार बताए जा रहे हैं उनकी सर्चिंग भी अभी फिलहाल पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें कर रही है गोपाल मिश्र ETV वाराणसी